हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो टुडे आवर टॉपिक इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस मींस प्रोग्रेसिव, दैट इज गोइंग ऑन, जो चल रहा है दैट इज द प्रोग्रेसिव। अब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, मतलब जो फ्यूचर में चल रहा होगा, तो उसकी बात करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंडर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका रूल पता होना चाहिए। तो रूल के अंदर सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर विल और शैल आएगा, देन हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये कंटिन्यूअस टेंस में आती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आई है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आई है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आई है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है। अब फ्रॉम एंड फॉर, आप सोच रहे होंगे कि आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने सिंस और फॉर का यूज़ पढ़ा है, यहाँ पे हम सिंस की जगह फ्रॉम यूज़ करते हैं फ्यूचर में, बट यूज़ सेम ही होगा। जैसे यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं, वहाँ हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ सिंस। हम सिंस को छोड़ के फ्रॉम का यूज़ करेंगे और फॉर जो है वो सेम ही रहेगा जैसे हम पीछे यूज़ करते आ रहे हैं। ओके, तो सो दिस इज़ द रूल। सब्जेक्ट यू नो कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एंड उसके बाद विल और शैल। वैसे तो हम विल और शैल जो है, शैल हम बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन शैल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता है, दैट इज़ आई एंड वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। वैसे आजकल मॉडर्न लाइफ में जो हम हैं वो शैल का यूज़ बहुत कम हो गया है। देन विल का यूज़, विल जो है वो दैट इज़ यूज्ड विद द सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और हैव बीन वो सभी के साथ सेम ही आएगा, इसमें हैज़ नहीं आता, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी जो आपका है वो रहेगा। ओके, तो देन ओके, आगे हम किस तरह से सेंटेंस आएंगे कि मैं वो काम कर रहा हूँ, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है दैट मे बी स्टार्टेड इन द प्रेजेंट में भी शुरू हो सकता है वो, एंड स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में भी हुआ हो सकता है, एंड स्टार्टेड इन द फ्यूचर, फ्यूचर में भी शुरू हो सकता है और फ्यूचर में ख़त्म भी हो सकता है। ख़त्म तो वो फ्यूचर में ही होगा, आगे तक चलेगा जहाँ फ्यूचर में ख़त्म होगा और आगे उसका, लेकिन जो शुरुआत है इस सेंटेंस की, जो बिगनिंग है, वो आपका प्रेजेंट में भी बिगनिंग हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है। ओके, तो अभी इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे और आपको फिर पता चलेगा कि किस तरीके से इसमें जो सेंटेंस है वो बनेंगे। He will have been waiting from 2 o'clock. वो 2 घंटे से वेट कर रहा होगा, तो दो बजे से फ्रॉम लिखा है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम, आपको पॉइंट बताया जा रहा है कि कितने बजे से वेट कर रहा है, दैट इज द 2 o'clock. तो दिस टेल्स अस अबाउट द पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको पता है जो सिंस का यूज़ होता था वो पॉइंट ऑफ टाइम में होता था, इसी अब सिंस की जगह हम फ्रॉम का यूज़ करे हैं, तो इसका यूज़ भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही होएगा। ओके, तो 2 o'clock जो है, ही विल हैव बीन वेटिंग फ्रॉम 2 o'clock, वो 2 बजे से मेरा जो है वो वेट कर रहा है। तो हम पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं कि कितने बजे से कर रहा है, ये नहीं बोल रहे कि 2 घंटे से कर रहा है, 2 घंटे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं 2 बजे से वह वेट कर रहा होगा, 2 घंटे से वो वेट कर रहा होगा। तो दिस इज, आप समझ रहे हैं ना किस तरीके से सेंटेंसेस यहाँ पे आ रहे हैं। अभी आगे मैं बना रही हूँ, आई विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 1 hour, मैं 1 घंटे से सो रहा हूँगा। अब वो कह रहा है कि मैं 1 घंटे से सो रहा हूँगा, अब वो 1 घंटा फिक्स नहीं है, दैट इज़ नॉट द
पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज द पीरियड ऑफ टाइम. वो पीरियड ऑफ टाइम बताया कि मैं एक घंटे से सो रहा हूँ. अब हमें नहीं पता कि वो किस एक घंटे से सो रहा है. हो सकता है एक से दो बजे से सो रहा हो, दो से तीन बजे से सो रहा हो, दैट इज नॉट मैंशनड हेयर. सो इट इज द पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम वैन वी नो एग्जैक्ट कि वॉट इज द टाइम. जब हम एग्जैक्टली जानते हैं कि टाइम क्या है तभी वो आपका पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम होता है. और जब हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि वो इतने घंटे से वेट कर रहा है, वो इतने घंटे से सो रहा है, लेकिन फिक्स टाइम नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक सो रहा है, कहाँ से कौन से टाइम में वो सो रहा है, ठीक है, जब कोई काम कर रहा है. तो ये एक घंटे से सो रहा है, अब वो ये नहीं पता कि शाम के एक घंटा है सुबह का है, लेकिन वो बोल रहा है आई विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर वन आवर, मैं एक घंटे से सो रहा हूँगा. तो दिस इज द आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अभी इस तरह से आपका इसका आप इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं, एंड देन इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं. अब फर्स्ट हम इसका क्या बनाएंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे. जैसे ही विल नॉट नॉट हैव बीन वेटिंग फ्रॉम 2 o'clock, वो दो घंटे से क्या कर रहा होगा, वो दो घंटे से दो बजे से वेट नहीं कर रहा होगा. हम किसी को कह रहे हैं कि हाँ वो मेरा वेट कर रहा होगा, लेकिन वो जो है वो दो घंटे से दो बजे से वेट नहीं कर रहा होगा, ठीक है. तो दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नेगेटिव सेंटेंस बनाइए आपका. अब इसी का आप इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, विल ही have been क्या वो दो घंटे से दो बजे से वेट कर रहा होगा. दिस इज द इंटेरोगेटिव वन. आप किसी भी सेंटेंस का अगर आपने उसका सिंपल बना लिया तो यू कैन वेरी इजिली मेक द वेरी इजिली यू कैन मेक इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप बहुत इजिली बना सकते हैं. इफ अगर आपने उसका सिंपल जो सेंटेंस है वो फ्रेम कर लिया है तो देन इट इज़ वेरी इजी टू फ्रेम द नेगेटिव वन, इंटेरोगेटिव वन एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव वन. ओके, तो आपका सिंपल सेंटेंस अकॉर्डिंग टू रूल बन जाएगा. उसके बाद आप इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आएंगे. नेगेटिव बनाने के लिए विल शेल के आगे आप नॉट लगा सकते हैं, और शेल का भी यूज़ आप आई के साथ कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ विल लिखा है तो आप यहाँ शेल भी यूज, जैसे गाइज आप विल की जगह शेल भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे विल यूज़ किया है तो आप विल को मिटा के इसकी जगह शेल भी यूज़ कर सकते हैं. तो शैल आई शैल हैव बीन स्लीपिंग फॉर वन आवर, तो मैं एक घंटे से क्या कर रहा था, मैं एक घंटे से मैं सो रहा था. तो फॉर इज़ द पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे फॉर आया. अगर फ्रॉम होता तो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ टाइम. तो सो गाइज दिस इज योर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सो टूडे आवर टॉपिक टेंस इज कम्प्लीटेड. आपके 3 टेंसेज आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड, द फर्स्ट 2 टेंसेज दैट इज द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, एंड दिस इज द 3rd वन दैट इज द फ्यूचर टेंस. तो सारे टेंसेज आपके कम्प्लीट हो चुके हैं. टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इट मे बी आर्टिकल प्रोनाउन. अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि फिर मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी. तो सो गाइज ये आपका टेंस है, अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, सेंटेंस फॉर्मेशन बनाइए. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज टेंसेज. ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel.